जी इट्स रोमांटिक कॉमेडी है, अर्बन फिल्म है, बाहर से लड़के आते हैं शहरों में काम करने के लिए, उसके बाद उनकी ज़िंदगी में क्या घटनाएं घटती हैं और हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो वही घटनाएं हमें हंसने पे मजबूर करती हैं, यही है कहानी। कहानी दो प्रेमियों की है, दो प्रेमियों को जो प्रेमी नहीं रहने देना चाहते हैं, ऐसे तीन लोग हैं और एक बेचारा वक्त का मारा हुआ पति, और कहानी में ट्विस्ट। अब कहानी में क्या ट्विस्ट है, प्रेमी मिलते हैं नहीं मिलते हैं, क्या होता है, ये जानने के लिए फिल्म देखना होगा। कॉन्सेप्ट कहाँ से दिमाग में आया, कैसे जान रहा है कि ऐसी कॉन्सेप्ट दिमाग में तब से आना शुरू हो गया था जब मैंने कॉलेज पास करके फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। तब से कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो गया था, ज़िंदगी के अनुभव हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे रूममेट्स रहे हैं, उनके साथ रहना, आप मुझे उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोगों के भी कई बार बहुत समय तक कई रूममेट्स रहे होंगे, और आप अभी सोचना शुरू करें तो आपके कितने फ़नी इंसिडेंट्स हुए होंगे रूममेट्स के साथ, रूठना मनाना झगड़ना ईगो इश्यूज़ रेंट की प्रॉब्लम्स, और तीन रूममेट्स एक साथ रह रहे हैं और एक की गर्लफ्रेंड है दो की नहीं है, तो कितना बड़ा क्राइसिस है। ये जब आप कॉलेज में थे तभी से ये नहीं, कॉलेज पास होने के बाद, जब कॉलेज में तो सभी शहनशाह होते हैं ना, कॉलेज में तो ऐसी क्राइसिस होती नहीं है कॉलेज में ऐसी क्राइसिस कभी हुई नहीं, कॉलेज के बाद होती है। मतलब ये रेफरेंसेस आपने अपने लाइफ, हाँ, अपनी जिंदगी, तमाम दोस्तों की जिंदगियाँ, और हर रोज़मर्रा की लाइफ में काम करते हुए नहीं करते हुए, किसी के साथ रहते हुए नहीं रहते हुए, जो अनुभव हुए उन्हीं के ऊपर ये कहानी है। लेकिन कहानी है जो मैंने आपको बताया वो है, कहानी हमेशा अनुभवों से ही गढ़ी जाती है। और स्टारकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी फिल्म के लिए, जी तो इस फिल्म के लिए स्टारकास्ट कैसे फाइनलाइज की गई और क्या खास बात है स्टारकास्ट? इसमें खास बात ये है कि ये जितनी मेरी फिल्म है उतनी आपकी भी फिल्म है, जब आप फिल्म देखोगे तो आपको हर एक्टर के अंदर, हर स्टार के अंदर आप खुद नज़र आने वाले हो, आप खुद अपनी कहानी कनेक्ट कर पाने वाले हो। तो कास्टिंग करते हुए मेरे दिमाग में यही था कि हर एक्टर वैसा हो जाए जैसा वो एक्टर होने से पहले होता है। मैम, आप भी एसोसिएटेड हैं फिल्म के साथ, कुछ आपने जब ये कहानी समझी, सोची, सुनी, आपने सेकंड थॉट्स थे कि आपको इसके साथ ही आगे बढ़ना है? मेरे को उसी टाइम पे क्लिक हो गया कि ये स्टोरी हमने कर ली है। एक फनी इंसिडेंट हुआ था, तो पहले टाइम जब मैं मैम को स्टोरी नरेट कर रहा था तो कहानी तो क्लिक हो गई, लेकिन जब कहानी के बाद वाली, कहानी के बाद की कहानी होती है ना और कहानी के पहले की कहानी होती है, वो मिलजुल के कुछ आया। जो जब आप कहानी सुना रहे होते हैं कई बार तो कई ऐसे टर्म्स आप यूज़ करते हैं जो आपको स्क्रीन पे जो जब ट्रांसलेट होने वाला होता है तो वो कुछ अलग होता है और सुनते हुए कुछ अलग लगता है। तो मैम को थोड़ी देर के लिए लगा अच्छा ये तुमने क्या लिख दिया है ये वाला तो निकाल दो पर नहीं, लोगों को गॉडफादर मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जब हमेशा से सुनता आया हूँ कि मुझे गॉडफादर मिल गया, मुझे गॉड मदर मिल गई, इसलिए हम वुमेंस डे पे फिल्म रिलीज़ कर रहे हैं। जी जी मुश्किल होता है, हाँ बहुत मुश्किल है। मेरा मानना है कि ये फिल्म नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है, डूब के जाना है। मैं अब शूटिंग से, प्री प्रोडक्शन से सभी लोगों को यही कहता था कि हम जो प्लान कर रहे हैं फिल्म, ये फिल्म आसान नहीं है करने के लिए, पर हमें करना है और हमें थिएटर तक भी आना है। उम्मीद है अब ऐसे ही सबका साथ बना रहा तो हम आ रहे हैं 8 मार्च को, आ ही रहे हैं। आपने देखा टीजर? मैंने टीजर, बहरहाल मैं तो अपने दोस्त की म्यूज़िक लॉन्च में आया हूँ सबसे पहले, और हम लोगों का नाता तब का है जब हम लोग बॉम्बे आए थे, नहीं हमारी मुलाकात दिल्ली में हुई थी, लेकिन वहीं से लग गया था कि दोस्त में आग है, और इन्होंने साबित भी किया और इन्होंने समय समय पे आग चला रखी। तो रूममेट की जो बात हो रही थी ना, हम लोग रूममेट तो नहीं रहे लेकिन काफ़ी करीब करीब रहे, तो देख के खुशी होती है और क्या यार, मतलब हमारे दोस्त, हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि आज राहुल डायरेक्टर बन गए हैं। और सबसे पहली बात जो अभी हम कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं होता कोई फिल्म रिलीजिंग तक पहुँच जाए, हज़ारों लोग फिल्में बना रहे हैं, रोज़ एक नई फिल्म का कॉन्सेप्ट लिखा जा रहा है, लेकिन हर फिल्म थिएटर में पहुंच जाए इसके लिए जो संघर्ष करना पड़ता है वो यही जानता है जिसकी फिल्म रिलीज़ होने जा रही है। करण, आप कुछ कनेक्ट कर रहे हैं? ऑब्वियसली कनेक्ट कर रहे हैं, हम भी जवान हैं और हम भी जवान थे और हम भी बचपने में थे, तो जो भी घट रहा है हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, तो मज़ा देख के गाना बहुत अच्छा है। राहुल ने कुछ बताया था आने से पहले, मतलब जब इनवाइट किया आपको, कुछ बताया था इसके बारे में? इस फिल्म के दौरान तो मैं नहीं था, लेकिन इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के प्रोसेस में ज़रूर रहा हूँ, क्योंकि राहुल हमेशा कोई ना कोई सजेशन या फिर कोई बात इस फिल्म से रिलेटेड मुझसे हमेशा शेयर करता था,
कभी हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं तो गाना सुना दिया हल्का सा, ये सुन कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, तो बहुत अच्छा लगता था। मैंने कहा यार गाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा है, लुकिंग गुड, और बहुत बढ़िया फिल्म बनी बनी। मतलब हम ऐसे दोस्त हैं ना, लंगोट एक है शेयर करके पहन दिया। सर कहानी तो अच्छी होती है, लेकिन अगर स्टार कास्ट सपोर्ट करे उसमें तो सुनने पे सुहागा हो जाता है, कुछ कहना चाहेंगे स्टार कास्ट? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है, सॉरी मैंने आपको बीच में काट दिया, मुझे ऐसा लगता है कि स्टार कास्ट, मतलब स्टार कास्ट तो ग्रेडिंग है ना, जो कहानी के साथ किरदार बन गया वो कहानी के लिए सबसे बेहतर स्टार कास्ट है, चाहे वो कोई नॉन एक्टर हो या कोई ऐसा बंदा हो जो कहानी के साथ कहानी बन जाए, जो कहानी को का किरदार बन जाए, बिल्कुल वैसा ही हो जाए ताकि ऐसा लगे नहीं कि ये कौन कहाँ से आ गया, तो मतलब जिसको कहते हैं सब्जेक्टिव हो जाना। राहुल कहानी का जिक्र किया आपने, टाइटल में ये कुछ कहानी थी? जी हाँ, श्री राजू क्वेश्चन मार्क भी है जी, ये बोलना कुछ क्या कुछ थोड़ा अगर बताया? हाँ मतलब, लेकिन मैं पहले बता दूंगा तो आप थिएटर क्यों जाएंगे? शॉर्ट में बता दीजिए। बस यही है कि एक दोस्त, तीन रूममेट्स हैं, उनमें एक दोस्त की गर्लफ्रेंड है, तो कौन है क्या है मत बताओ, मत बताओ, ये लोग जाएंगे नहीं, सारा रहस्य ही जान लेंगे। तो ये जानने के लिए आप लोगों को पहुंचना पड़ेगा थिएटर तक। फिल्म शूटिंग ख़त्म हो चुकी है, पोस्ट ख़त्म है, आज हमने फिल्म अनाउंस कर दी है, वुमेंस डे 2019 8 मार्च 2019 को फिल्म आप सबके नज़दीकी सिनेमाघरों में पहुंच रही है। पहले मैं सुना करता था, आज मुझे बोलने का मौका मिला, अच्छा भी लग रहा है। तो आप सभी के नज़दीकी सिनेमाघरों में आने वाली है फिल्म, जाएं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार आप जाएंगे तो दोबारा भी जाना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो हाय, आई एम आदिति भगत और मैं एक छोटे से शहर से आई हूँ, सो आई एम अ बिहारी, आई एम फ्रॉम पटना, एंड मुझे बॉम्बे आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सो इट्स बीन 10 मंथ्स आई एम हियर एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। हाय, मेरा नाम अंश गुप्ता है, मैं उज्जैन में पैदा हुआ था और उसके बाद मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश की बहुत सारी सिटीज़ में बड़ा हुआ, और बॉम्बे में मुझे करीब 7 साल हो गए, और मैंने स्टार्ट किया था दूरदर्शन से, फिर टी वी करते करते फाइनली मैं फिल्म तक पहुँचा हूँ। मेरे किरदार का तो जो मेरी लाइफ का स्ट्रगल रहा है जो 7 साल मैंने बॉम्बे में किया है, तो बेसिकली मेरा कैरेक्टर भी राइटर का ही है और उसका यही सब स्ट्रगल मुझे फिल्म में दिखाना भी था, और परफॉर्मेंस की बात तो ऐसी थी कि सर ने मुझे, डायरेक्टर सर ने पहले ही कहा था कि जो तुम रियल लाइफ में हो वो रहो, एक्टिंग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो मैंने कोई एक्टिंग भी नहीं की उसमें। मेरा कैरेक्टर बहुत ही इंडिपेंडेंट बंदी है, बहुत इंडिपेंडेंट रहती है, जो आजकल की सारी लड़कियां हैं बेसिकली, और सब चाहती हैं कि वो वैसे ही इंडिपेंडेंट रहे, बहुत मच्योर रहे, अपनी चीज़ें खुद हैंडल करें, तो मेरा कैरेक्टर कुछ वैसा ही है, प्यार में पड़ता है और फिर क्या होता है वो तो आगे देखेंगे, बट देन यस द होल प्रोसीजर, द होल टाइम व्हेन वी वर शूटिंग I got to learn a lot of things. My director was amazing, so he taught me a lot of things. मेरा जो character है उससे मैं बिल्कुल भी नहीं मिलती हूँ real life में, but then उन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरीके से direct किया और मेरे अंदर से वो चीज़ इतनी अच्छी तरीके से निकाली कि I hope मैंने उसे justify किया हो और आपको देख के लगे। आपने जो OTT platform में काम किया, web series में अभी बहुत successful चल रही है web series, क्या difference महसूस करती है film में और web series में? मेरा एक्सपीरियंस दोनों जगह ही काफ़ी अच्छा रहा है, ऑब्वियसली फिल्म काफ़ी बड़ी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज़ आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है और वो ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही शूट होती हैं, सेम ही चीज़ें होती हैं वहाँ, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस तो रहा है मेरा रंगबाज में। बट देन हम यहाँ पे श्री राजू के बारे में बात करने के लिए, तो हम अभी बेसिकली उसके बारे में बात करते हैं। अदिति, अंश, आप दोनों इंडस्ट्री से जुड़ चुके हैं, ऑब्वियसली जब मैं 12th में था तो मैंने रियलाइज़ किया था कि हाँ मुझे एक्टर बनना है, और फिर मैंने घर पर डिस्कस भी किया कि मम्मी पापा मुझे एक्टर बनना है, तो थोड़ी बहुत मारी पड़ी थी,
कि बेटा पहले पढ़ाई कर लो, ये सब चीज़ें बाद में होती रहेंगी। फिर हाँ, ग्रेजुअली कॉलेज तक होते 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 फिर मैं आर्ट की तरफ ज़्यादा मेरा झुकाव बढ़ा। मैं डांसर रहा था तो करते करते स्टेज की आदत पड़ गई थी। फिर एक्टर तो बनना था लेकिन तरीका नहीं पता था कि बनना कैसे। फिर जब मैं जॉब में था तो समहाउ मुझे मॉडलिंग के असाइनमेंट्स मिलने लगे इंदौर में, और वहाँ से रास्ता बनता गया और मैं यहाँ आ गया। बिग बी सो बेसिकली मैं हमेशा से डांस करती आई हूँ। तो मैं प्रोफेशनल डांसर रही पहले, फिर मैंने कॉलेज की सिम्बायोसिस से वहाँ मैंने थोड़ा थिएटर किया, थोड़ी मॉडलिंग की। मॉडलिंग के थ्रू करते करते मुझे लगा मैं थोड़ा एक्टिंग में भी ट्राई कर लेती हूँ। तो मैंने काफ़ी लेट रियलाइज़ किया, बट देन अभी फिंगर्स क्रॉस्ड आई होप इट गोज। So, if I'm going to tell you about the character, the whole suspense is going to go. So, I want you guys to watch the film first, because I really don't want to reveal the whole suspense which is going on because of Ishi Raju. So, just watch the film, wait for 8th March, watch it and see. I don't want to talk about the character yet. Okay, Anch, आपसे जानना चाहूँगा मैं, जैसे सर ने कहा कि बहुत सारे references उन्होंने अपने life से भी लिए, तो क्या आपने कितना connect किया अपने किरदार से, अगर आपको share करना? मैंने काफी connect किया, मतलब जो जैसे सीन्स फिल्म में लिखे हुए हैं वो सभी सीन्स, एक बैचलर जो होता है अपने कॉलेज लाइफ में उन चीज़ों से निकलता ही है। तो जैसा कि सर ने बताया कि ये किसी एक इंसान की फिल्म नहीं है, सबके फिल्म है। तो जो भी कॉलेज गया है, जो जिसने रूम लेके अपने शहर से दूर निकल के दूसरे शहर में रहा है, वो डेफिनेटली रिलेट करने वाला है। ओके, लास्टली कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से, क्यों देखनी चाहिए फिल्म, क्या यूएसपी होने वाली है और कब रिलीज होने वाली है? आप जाके फिल्म देखें अगर आप हंसना चाहते हैं और अपने लाइफ के कॉलेज टाइम के लम्हे जीना चाहते हैं, तो फिर से जाके फिल्म देखिए और आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप लाइफ में जी चुके हैं। और अच्छा लगता ना कि पुरानी मेमोरी रिकॉल होती है। तो हाँ, वो तो है, आप द होल यूथ इज़ गोना रियली कनेक्ट टू इट, क्योंकि हर किसी के लाइफ में कोई ऐसा दोस्त होगा ही, कोई वैसी गर्लफ्रेंड होगी, कुछ ना कुछ तो रहेगा जिससे आप फॉर श्योर रिलेट करने वाले हैं। सो प्लीज़ गो एंड वॉच इट ऑन 8th of March 2019। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।